morning, students of class 5th. Again, I welcome to learning the questions of chapter 14. Today we have discussed the question number 2. Find the perimeter of the following rectangle shape. देखेंगे कि हमें पैरामीटर निकालना है रेक्टेंगल का. एंड मैंने आपको 4-2 वेज बताए थे पिछले वीडियो में कि या तो हम किसी भी रेक्टेंगल की जो सारी साइड्स हैं उनका सम कर देते हैं, या फिर एक फार्मूला मैंने आपको सिखाया था विच इज़ द 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, कि आपने लेंथ और ब्रेथ को प्लस करना होता है और उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम उसे फाइंड कर देंगे. सो देखिए, हेयर वी हैव द डिजिट्स. द लेंथ इज़ अ 30 cm एंड द ब्रेथ इज़ अ 48 cm. स्टूडेंट, सो लेट्स सी. स्टूडेंट्स, अगर हम कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ ऐसा होगा जिसकी कितनी होगी, 2 लेंथ्स होगी और 2 ब्रेथ होगी. तो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि वी हैव द 30 cm लेंथ और वी हैव द ब्रेथ 48 cm. सो देखेंगे कि अगर हम बात करेंगे कि अब द लेंथ हमें दे रखी है, अब हमने फॉर्मूला यूज़ किया 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ. तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2 × लेंथ इज़ गिवन 30 प्लस और ब्रेथ इज़ गिवन 48. अब सेंटीमीटर है तो वी राइट हियर सेंटीमीटर. व्हेन वी ऐड 30 + 48 इज इक्वल्स टू 70, तो 2 × 78 cm. सो आगे देखिए, 2 × 8 = 16, 2 × 7 = 14 + 156 cm. सो द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 156 cm. इसी तरीके से क्वेश्चन बी, द लेंथ इज 20 cm एंड ब्रेथ इज 34. तो 2 × L + B, L मतलब लेंथ, तो 2 × लेंथ इज 20 + 34 cm. 20 + 34, 30 + 20, 50, 54. 2 × 4 = 8 एंड 2 × 5 = 10, तो 108 cm. एंड सी एंड डी यू कैन डू इट योर सेल्फ. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पैरामीटर ऑफ गिवन रेगुलर शेप्स एंड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला. देखिए, मैंने आपको रेगुलर शेप्स के बारे में पढ़ाया था कि आपको इनका पैरामीटर फाइंड करना है. रेगुलर शेप्स, सो यू नो रेगुलर शेप्स वो शेप्स होती हैं जिनके जो साइड्स होती हैं वो कैसी होती है, इक्वल होती है. साइड्स की जो लेंथ होती है, जैसे ये ट्राइंगल है, स्क्वायर, दिस इज़ अ हेक्सागन एंड दिस इज़ अ पेंटागन. देखिए, ट्राइंगल मीन्स 3 एंगल्स और 3 साइड्स. देखिए, ये एक आपका एक ऐसा ट्राइंगल है, कैसा, इक्विलेटरल, जिसकी तीनों साइड्स कैसी हैं, इक्वल, 1, 2, 3. दिस इज़ अ स्क्वायर, 1, 2, 3, 4. और सभी साइड्स कैसी हैं, 6 cm, 6, 6. दिस इज़ अ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 साइड्स वाले शेप को क्या बोलेंगे, हेक्सागन. एंड 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज़ अ पेंटागन बिकॉज दिस फिगर हैव द 5 साइड्स. लेकिन हम इसका पैरामीटर कैसे फाइन करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला. हम सम नहीं करेंगे, मैंने आपको फार्मूला सिखाया था पिछले वीडियो में. जैसे एक ट्राइंगल का निकालने के लिए क्या होता है, 3 × लेंथ ऑफ वन साइड, स्क्वायर का 4 × लेंथ ऑफ वन साइड, हेक्सागन 6 × लेंथ ऑफ वन साइड, पेंटागन 5 × लेंथ ऑफ वन साइड. सो लेट्स सी. सो एज वी नो पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल कि 3 × लेंथ ऑफ वन साइड. सो देखिए, हमारे यहाँ पे लेंथ ऑफ ए साइड कितनी है, हमारे यहाँ पे ट्राइंगल की एक लेंथ है 14 cm की. तो पैरामीटर फाइंड करेंगे तो 3 × 14, 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 3, 42 cm. इसी तरीके से पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर, 4 साइड्स होती हैं, तो 4 × 1 साइड, तो लेंथ ऑफ ए साइड इज 6 cm, तो 4 × 6 cm, तो 4 × 6 = 24 cm. बाकी के 2 आप लोग खुद निकालेंगे. हेक्सागन में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और पेंटागन में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. आफ्टर द क्वेश्चन नंबर 3, नाउ वी डिस्कस अ न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ एरिया. जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मैंने पैरामीटर बताया था कि जब हम किसी भी क्लोज शेप की जो बाउंड्रीज होती हैं, साइड्स होती हैं, उनका हम सम करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, वी कैन सी दैट पैरामीटर. लेकिन हम बात करें एरिया. एरिया क्या होता है, मान लीजिए कोई भी क्लोज फिगर है, उसने कितनी जगह ऑक्यूपाई किया, कितना स्पेस ऑक्यूपाई, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एन एरिया. फॉर एग्जाम्पल, अगर पैरामीटर करना होता तो हम क्या करते हैं, इन साइड्स का सम कर लेते हैं. वेरी क्लियर, जैसा हमने पिछले वीडियो में किया और अभी क्वेश्चन 2 और 3 में भी किया. लेकिन हम फाइंड करें एरिया, द स्पेस ऑक्यूपाइड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. मान लीजिए एक आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज अ रेक्टेंगल, कॉल्ड ऑफ एरिया दैट ऑब्जेक्ट. कि हम ये देखेंगे कि अब हम इसके बाउंड्रीज के बारे में बात नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो गिवन शेप है, इसने अंदर जो इसका इंटीरियर साइड में ये पूरा कितना एरिया इसने ऑक्यूपाई किया, कितना कितना प्लेस इसने ऑक्यूपाई किया, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड अ एरिया. कि कोई भी आपकी शेप,
पैरीमीटर और एरिया में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? पैरीमीटर मीन्स कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी शेप की जो लेंथ होती है, हम उनका सम कर देते हैं या फिर उनका फॉर्मूला लगा के ओनली उसकी, इसके बारे में बात करते हैं, बाउंड्रीज के बारे में, तो हम उसे पैरीमीटर बोलते थे। लेकिन एरिया में हम किसी भी ऑब्जेक्ट ने किसी फ्लोर पे या किसी भी पेपर पे या किसी भी जगह पे कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, कितनी जगह घेरी है, उसको हम बोलेंगे एरिया। इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होते हैं। तो देखिए, ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला निकालने के लिए हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, लेंथ और ब्रेथ। एज वी नो कि पैरीमीटर फाइंड करते थे तो हम फॉर्मूला यूज़ करते थे 2 × L + B। लेकिन व्हेनेवर वी फाइंड द एरिया, व्हेनेवर वी यूज़ द एरिया, हम एरिया के लिए क्या फार्मूला यूज़ करेंगे? हम डायरेक्टली लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज़ गिवन इन आवर क्वेश्चन। कि फॉर एन एग्जाम्पल, इसमें हमारे पास लेंथ है 6 cm और यहाँ पे हमारी ब्रेथ है 2 cm। तो व्हेन वी फाइंड इट्स एरिया, वी कैन मल्टीप्लाई 6/2। सो तो 6/2 इज इक्वल्स टू 12। लेकिन हम बात क्या करेंगे कि जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो अभी तक हम पैरीमीटर में क्या करते हैं, 6 × 12 cm लिख देते हैं। लेकिन जब हम एरिया फाइंड करते थे, हम एक स्मॉल 2 लगा देते हैं ऊपर, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, 12 square centimeter। ओके, हम स्क्वायर को पहले पढ़ेंगे तो 12 square centimeter। सो नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर 4। विजय हैज ड्रॉन रेक्टेंगल ऑन द ग्राफ, देन इट्स फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। आपको दे दिया कि विजय ने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, यू नो, एक रेक्टेंगल में अब हमें फाइंड करना है पेरीमीटर एंड एरिया। तो सबसे पहले तो हम इनके फॉर्मूलाज रिमेंबर करेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, हमें पता है अच्छे से कि पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 × L + B। कि जब हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करते हैं तो हम लेंथ और ब्रेथ का सम करते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम ये बुक में कर लेते हैं, तो देखेंगे कि लेंथ है 5 cm और ब्रेथ है 3। तो 2 × P इक्वल्स टू 2 × लेंथ इज 5 + 3 cm। तो 2 × 5 + 3 = 8। तो 2 × 8 = 16 cm। आप देखेंगे कि ये जो फिगर है, इसका पेरीमीटर कितना हो गया बच्चों, 16 cm हो गया। लेकिन जब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, तो जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो वी यूज़ द वन ऑफ द न्यू फार्मूला, विच इज़ द लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ एल मीन्स लेंथ और बी मतलब ब्रेथ। हम डायरेक्टली लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम 2 लेंथ या 2 ब्रेथ की बात नहीं करेंगे। सो एरिया मीन्स ए इक्वल्स टू द लेंथ इज 5 × 3। अब देखेंगे 5 × 3 = 15 square centimeter। सो देखें कि यहाँ पे मैंने ओनली cm लिखा था, यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर के ऊपर एक स्मॉल 2 लगाया, विच इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर। और आप हमेशा देखेंगे कि जो हमेशा पैरीमीटर होता है, कि चाहे आपके मेजरमेंट सेम हो, देखेंगे कि यहाँ पे भी लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल लिए, यहाँ पे भी लेंथ और ब्रेथ सेम लिए। लेकिन जब भी हम इसका पैरीमीटर फाइंड करेंगे तो और एरिया फाइंड करेंगे, तो हम देखेंगे कि पैरीमीटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एरिया। देखेंगे, ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 25 m and 30 m रिस्पेक्टिवली। ये बोल रहे हैं कि आपको कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है, लेंथ इज 25 m एंड ब्रेथ कितनी है 30 m। आपको उसका क्या फाइन करना है, एरिया। तो एरिया फाइन करने का मैंने आपको अभी अभी फार्मूला बताया, L × B। तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे बच्चों, L × B मतलब 25 को 30 m से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड देन यू कैन फाइंड इट। अगेन क्वेश्चन, अ रेक्टेंगल शेप टॉवल हैज अ लेंथ ऑफ, रेक्टेंगल टॉवल कैसा होता है, जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल, अ शेप टॉवल हैज अ लेंथ ऑफ 125 cm एंड ब्रेथ इज 60 m। फाइंड आउट द पैरीमीटर ऑफ टॉवल। जब पैरीमीटर फाइंड करेंगे तो वी यूज़ अ फॉर्मूला 2 × L + B। स्टूडेंट, वेन एवर यू फाइंड द पैरीमीटर एंड एरिया ऑफ, यू हैव टू बी रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ दिस। आपको सही फार्मूला यूज़ करना होगा। नाउ अ फेंसिंग हैज़ टू बी डन आउटसाइड ऑफ अ फील्ड विच इज़ अ स्क्वायर शेप, लेंथ ऑफ वायर यूज फॉर फेंसिंग इज 260 m, फाइंड द साइड ऑफ द लेंथ फील्ड। अब देखिए, यहाँ पे स्क्वायर की बात हो गई है। मैंने स्क्वायर के बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ाया कि व्हाट इज़ द एरिया या व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। टू लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट।
सो स्टूडेंट देखिए क्या क्वेश्चन है, अगेन वी रीड इट. अ फेंसिंग हैज़ टू बी डन आउटसाइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड. स्क्वायर कैसा होता है कि स्क्वायर इज अ शेप. फॉर एन एग्जाम्पल हेयर आई ड्रॉ इट फॉर यू कि आपका स्क्वायर है जिसकी चारों साइड्स कैसी है, जिसकी सारी साइड्स कैसी हैं सेम. ये थोड़ा रेक्टेंगल जैसा बन गया है, मैं अगेन ड्रॉ करती हूँ. तो देखिए ये आपका एक स्क्वायर है जिसकी ऑल साइड्स कैसी होती है बच्चों, इक्वल होती है. जैसे आपने रेक्टेंगल का पैरीमीटर फाइंड करना सीखा, रेक्टेंगल में क्या होती थी, ये दोनों लेंथ और ये दोनों ब्रेथ मानते थे और टू इंटू हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते थे, टू इंटू एल प्लस पी. लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी स्क्वायर की, तो स्क्वायर का जो पैरीमीटर होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है. सो वी राइट द पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, एज वी नो कि जो पैरीमीटर स्क्वायर जो होता है उसकी फोर साइड्स होती हैं जैसा रेगुलर शेप्स में हमने पढ़ा है. और हम इसकी क्या करते हैं, वन साइड को ले लेते हैं, फोर इंटू वन साइड करेंगे. ऑब्वियसली दिस इज़ अ फॉर्मूला. तो यहाँ पे देखिए, लेकिन इन्होंने हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी इन्होंने हमें क्या दे दिया है, 260 मीटर. इन्होंने बोला कि हमें साइड नहीं गिवन की, इन्होंने हमें डायरेक्टली पैरीमीटर दे दिया. उन्होंने बोला कि ये जो आपका स्क्वायर है इसको बनाने के लिए, मतलब जब इन्होंने 4 इंटू वन साइड की होगी तो इस सब का सम मान लो या मल्टीप्लाई कितना था, 260 मीटर. तो मींस हमें वन साइड निकालनी पड़ेगी. तो हम यहाँ पे इसके साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, सो साइड ऑफ ए स्क्वायर जब हम पैरीमीटर फाइंड करते हैं तो 4 इंटू वन साइड करते हैं, लेकिन पैरीमीटर गिवन है तो 260 अपॉन 4. तो व्हेन वी डिवाइडेड इट, 4 6 are 24, 2 is remaining, 4 5 are, मतलब इसकी जो वन साइड है वो स्क्वायर के कितने सेंटीमीटर की हो गई, 65 मीटर की. ओके सो हमें यहाँ पे यही निकालनी है, यही निकालना था, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड. इट्स मीन एक साइड कितने सेंटीमीटर की हो गई, 65 मीटर की. अगेन आई रिपीट दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें क्या दे रखा था बच्चों, इन्होंने एक स्क्वायर दे रखा है जिसका इन्होंने हमें पैरीमीटर पहले से निकाल के दे रखा है. और पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है कि एज वी नो के स्क्वायर की जो फोर साइड्स होती हैं और हर साइड की लेंथ कैसी होती है, इक्वल. तो हमें 4 इंटू वन साइड करना होता है, लेकिन यहाँ पे पहले से ही इन्होंने हमें पैरीमीटर दे दिया और हमें निकालनी पड़ी वन साइड. तो पहले हमने साइड निकालने के लिए क्या किया, जो पैरीमीटर था उसी को नंबर ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया. तो वी गेट इट हियर, 65 मीटर. और इन्होंने हमें क्वेश्चन में यही बोला था कि फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल. थैंक यू ऑल.